हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने नेविगेशन बार में जो है कि जो हमारे बटन होते हैं यहाँ पर जो है कि आप अपना नाम कैसे लिख सकते हो। जो नेविगेशन बार के जो बटन हैं ये, तो यहाँ पर अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, वही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सिंपली इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी, इसका नाम है स्मार्ट नेविगेशन बार और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसे परमिशन देना होगा, सो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखोगे कि नेविगेशन स्लाइड वार इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मतलब इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एनिमेशन भी मिलते हैं, हम एनिमेशन भी अपने लगा सकते हैं। और इस तरफ आओगे तो हमें टेक्स्ट वाला यहाँ पे लेना, टेक्स्ट नोट्स वाले पे आना है और यहाँ पर जो है कि हमें नाम लिखना है। पहले जो भी आप नाम अपना जो कि दिखाना चाहते हो नेविगेशन बार पे, तो वो आप अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं फटाफट से अपना नाम लिख देता हूँ, UMESH उमेश। तो यहाँ पर मैंने उमेश कुमार ऐड किया, उसके बाद क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार क्लोज कर देना है। और उसके बाद जो है कि हमारा देख सकते हो नाम आ चुका है जो मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उमेश। तो अभी मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज। उसके बाद जो है कि अब आपको ऑफ रहेगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उमेश कुमार लिख के आ रहा है, लेकिन अभी इसका जो साइज है वो अभी छोटा है, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट साइज को फुल कर देना है इस तरीके से। और जैसे ही फुल कर दोगे यहाँ पर बड़े अक्षर में लिख के आ जाएगा, और फुल कर दोगे और बड़ा आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रख लेना कि जिस हिसाब से आपका दिखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा बड़ा भी ना रहे। तो इस तरीके से अभी ये मेरा सही है। और कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी, सॉरी अभी ये नहीं चेंज कर सकते, हम कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पे साइज़ वगैरह कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप दूसरा कोई और नाम लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो, कि अपने आप वो फिर बदलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से इसका एनिमेशन हो चाहिए, किस तरीके से दिखना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो मुझे ये रखना है क्लोज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।